नाम है चैंपियंस ऑफ वकार जगा। जी हाँ, चैंपियंस ऑफ वकार जगा जो एक रियलिटी शो है, और फिर से इसके कर्ता धर्ता है पाकिस्तान का सबसे डेरिंग छक्का, इसका नाम है वकार जगा, पाकिस्तान का भड़वा। लिविंग ऑन द एज, ओवर द एज के बाद ये सतरंगी चूतिया नया शो लेके आया है, जिसके कंटेंट के नाम पे ये भाई साहब कुछ नया लेके आया है। सब उतना ही नया जितना इमरान खान नया पाकिस्तान लेके आया था। नहीं मतलब शो के नाम पे ये भूसड़ पप्पू टट्टी पे धनिया डाल के लोगों को परोस रहा है। नहीं भाई, क्योंकि इस बंदे ने खाली शो का नाम चेंज किया है, बाकी बस वही पहले वाली बकचोदी करवाता है कंटेस्टेंट से, और सबसे ज्यादा वही चैलेंजेस देता है जो इसका सबसे फेवरेट है, वो है मुँह में लेना। तो चलो देखते हैं किस प्रकार के नमूने आते हैं इस शो में। क्या करेंगे आप? आप डांटेंगे नहीं, एक बार वो काम मैं करूंगी, फिर बार बार आप करेंगे। क्या? एक बार मैं करूंगी फिर अगेन आप करेंगे, लाइक बार बार आप करेंगे। कोई ऐसा काम है जो एक बार आप करेंगी फिर बार बार मैं करूंगा? क्या आप उसका हिला के देने वाली हो मैडम? नहीं मतलब एक बार तुम करोगी उसके बाद बार बार वो करेगा। अरे मैडम, ये कोई रंडी कहा है? ये कोई रंडी कहा है? क्या कर सकती हैं आप ऐसा जिसकी वजह से मैं बोलूं नहीं यार, इसको शो में होना चाहिए, बोल हाउस में एक महीने के लिए जो लोग रहने जा रहे हैं उसमें आपको भी होना चाहिए। बस कुछ ऐसा है जो मैं कर सकती? क्या है? नहीं, मैं आपको आपके कपड़े उतरवा सकती हूँ। नहीं, बातों में या आप कहना चाहते? सच्ची में, सच्ची में। सच्ची में क्या मतलब? सच्ची में आपको नंगा कर दूंगी आप। अरे मैडम, पहले से ही वो नंगा आदमी, और कितना नंगा करोगी उसे? एक राज की बात बताता हूँ आपको, इसे थोड़ा दूरी रहना चाहिए, एक नंबर का ठरकी आदमी है ये, और जिस भी गली से जाता है ना ये, तो इसे देख के गली की सारी आंटियां बस एक ही बात बोलती है। मैं ऐसा डेयर कर सकती हूँ जो आपके शो में कभी किसी ने नहीं। क्या ऐसा क्या होगा जो कभी भी नहीं हुआ होगा? बस है कुछ ऐसा जो नहीं हुआ, और मैं वो करके दिखाऊंगी आपके साथ। क्या ऐसा कर सकती? बस मैं कुछ कर सकती हूँ ऐसा। ऐसा क्या? आप बेड मंगा दो। बल्ला? नहीं, मैट्रेस, गद्दा, जिसे गद्दा कहते हैं। क्या मंगा दो? बेड, बिस्तर। जी बिस्तर, बिस्तर लगवाओ यहाँ। बिस्तर लगवा के क्या होगा? फिर मैं आपके साथ करूंगी जो मुझे डेयर करना है। अरे मैं दिखाता हूँ ये कौन सा डेयर करने वाली है वकार जाका के साथ। मजा आ गया। कमाल आपने जो किए हैं उनमें से कुछ तो हमें भी कमाल दिखाएं। क्या दिखाऊं आप बताएं, मैं कर देती हूँ। आपके अंदर जो भी कमाल आप कर सकती हैं वो बताएं, क्या कमाल कर सकती हैं ताकि मैं पता चले। पहले तो आपका देखना है कि आपके पास ऑलरेडी कुछ कमाल चीज है भी, बस ऐसे ही शोखी में अपने आपको कमाल आप चाहते हैं मैं करूं? मैं तो चाहता हूं आप कमाल करके दिखाएं। सोच ले। जी कर दें। सोच ले। सोच लिया। ठीक है मैं कर देती हूँ। सर पे झाड़ू लेके घूमने वाली औरत, बंदर की गांड जैसे शक्ल वाले आदमी की पप्पी लेना कोई कमाल का काम नहीं होता। समझी क्या? लौड़ी। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल साहिल पे खड़े तुम गाने में। नहीं आंटी, मुझे सबसे पहले बताओ किस लाइन में आ गए आप? और ऐसा भद्दा गाना सुन के, ऐसा भद्दा डांस देख के आधे पाकिस्तान वालों को तो मोतियाबिंद हो गया होगा। तो चलो अब आगे देखते हैं कि वकार जाका इसे क्या डेर देता है। आपके सामने हरी मिर्चे, अब करना ही आपने। जब मैं गो बोलूं, अगर मैं मिर्चे खाने को बोलूंगा तो बच्चों वाला चैलेंज हो गया, गेम शो हो गया। आपने एक एक मिर्च जो सबसे बड़ी उठा, एक ही चांस मिलेगा, करना आपने ये, एक दूसरे की तरफ नहीं जाना, यूं ही खड़े खड़े दूसरे के मुंह में डालने की कोशिश करनी। और जबरदस्ती करके भी खिला सकते हैं। जबरदस्ती खिला सकते हैं। गो। जो नीचे गिर गई एक दफा, बस रेडी गो।
होएगी कि पीछे पड़ गई। ऐसा भी वकार जाका पक्का नरक में सड़ेगा, वो भी इतनी बकचोदिया फैलाने के जुर्म में। साला चैलेंजेस के नाम पे मिर्चियां खिलवा रहा है औरतों को और फिर धक्के मार के गिरवा भी रहा है, और इतना सारा रंडा अप करने के बाद भी ये चाटू झिंगा ऐसी हरकत करता है। आपने तो बड़ा कमाल किया, अंडा मुंह में रख लिया, निकाले रखे यहाँ। रो क्यों नहीं है, क्या हुआ? तो रोने की क्या बात है? सिलेक्शन पे रोना आ रहा है आपको? इसलिए कि हर जगह से रिजेक्ट हुई हूँ ना। हर जगह से मतलब? कोई जॉब के लिए मैंने काफी जगह अप्लाई किया, बड़ी बड़ी ब्रांड्स को मैंने किया, तो उन्होंने इसीलिए मुझे रिजेक्ट किया गया। और एजेंट तो हमें फ्रेश चेहरे चाहिए, हालांकि मुझे काम आता है, बहुत अच्छा काम आता है मुझे, मैं हैंड एम्ब्रॉयडरी हर चीज कर लेती हूँ। ब्रांड का क्या ताल्लुक है उससे? फैशन डिजाइनिंग कर रही हूँ ना, मतलब मुझे डिजाइनिंग बनाना, तो वहीं करूंगी जॉब तो, मैं और कहाँ करूंगी, अपना काम नहीं स्टार्ट कर। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्या लिखा इसके पीछे? बलोच बालाज, बालाज आपकी सिलेक्शन होगी, इनका ही। इतनी जल्दी खुशी नहीं मनानी चाहिए ना। अच्छा दे दो सर। नहीं यार, इसकी औरतों की चूतिया काटने की आदत अभी तक नहीं गई, सदियों से ये रीत बड़वा निभाता आ रहा है। साले बड़वे इस हरकत के लिए जनता माफ नहीं करेगी। और किसी दिन तू मेरे ताव में आया ना, तो तेरे से ऐसे ऐसे ढेर करवाऊंगा ना कि तू सोच भी नहीं सकता। सबसे पहले तो कुत्ते की टट्टी चटवाऊंगा, उसके बाद एक डंडा दूंगा जिसपे लाल मिर्च भर भर के लगाऊंगा, और बोलूंगा मुंह में डालना है, गांठ से निकालना है। और अगर नहीं कर पाया ना, तो तेरी ऐसी वाली पिटाई करूंगा। आपने क्यों बोला? 10 और सेकंड हो गए। चलो पप्पा के शो में, पप्पा को बता रहे शो कैसे चलेगा। नहीं भाई साहब, हो क्या रहा है इस शो में? अबे सतरंगी चूती, ये क्या हरकतें करवा रहा है तू लोगों से? और बिचारे की शक्ल देख, बिचारा अपना मर्द होने पे अफसोस कर रहा होगा।